मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि भारतीय इतिहास रे सबुठु जुबा राष्ट्रपति देशर प्रथम आदिवासी महिला भावे राष्ट्रपति स्वाधीन भारत रे जन्मित प्रथम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देशर पंचदशतम राष्ट्रपति भावे ओडिया झियो द्रौपदी मुर्मू शपथ नेइछंती। संसद भवन रो सेंट्रल हॉल रे प्रधान विचारपति जस्टिस एन भी रमणा पद ओ गोपनीयतार शपथ पाठ कराइछंती। एतिसह भारतीय इतिहास रे लेखा होईची नुआ अध्याय। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगी शपथ ग्रहण पूर्वरु द्रौपदी मुर्मू प्रथमे राजघाट पहुंची महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देथिले। यहापर राष्ट्रपति भवन रे पहुंचीथिले द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और बाचस्पति ओम बिर्ला स्वागत करथिले। राष्ट्रपति भावे दायित्व ग्रहण पर द्रौपदी मुर्मू अभिभाषण दे कहिछंती 25 वर्षर लक्ष्य नै काम करबी। वार्ड काउंसिल रु आसी मु शीर्ष आसन राष्ट्रपति पद रे बसी परिछि। यहा हम लोकतंत्र रो शक्ति ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और सुजन। मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सके। शपथ ग्रहण परे संसद भवनरु राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरि थिला राष्ट्रपतिक कार्केट। विजय चौक दे रायसीना हिल जाइथिले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। शपथ ग्रहण समारोह रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सह केंद्र मंत्री उपराष्ट्रमंत्री उभय सदनर सांसदों के सह ओडिशा रे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उपस्थित थिले। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिशा संवाद।